नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल FS ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको PLC निर्माण संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं इनसे पहले आप जब PLC निर्माण करते थे तो आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ पर जो देखिए तीन लाइन दिख रहा है उसको हम क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमें PLC निर्माण संबंधी एक इंटरफेस दिखाई देता था जिसमें हम PLC समूह का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें PLC का निर्माण करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि यह साइट जो है अब अपडेट हो चुका है। अब आपको PLC निर्माण लॉगिन के माध्यम से ही होगा। इसके लिए आपको अपने शिक्षक ID से लॉगिन करना होगा। तो आइए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना शिक्षक ID से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे शिक्षक को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे शिक्षक को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ID खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, 3 लाइन दिख रहा है बगल में पढ़े तुम्हारे द्वार के बगल में, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए शिक्षक के कार्य दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही शिक्षक के कार्य को क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको PLC जो दिख रहा है ना, यहाँ पर PLC जो दिखाई दे रहा है इस PLC को आपको क्लिक करना है और आप बहुत आसानी से PLC का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही PLC को आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल में दिखाई देगा जिसमें आप PLC निर्माण संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे और बहुत आसानी से आप PLC का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों आपको जिस प्रकार के PLC का निर्माण करना है उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और आप सभी प्रकार के PLC का निर्माण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आप एक स्कूल के लिए नवाचारी गतिविधि हेतु PLC का निर्माण करना चाहते हैं तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हम नवाचारी गतिविधि हेतु PLC निर्माण कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए सभी शिक्षक जो है अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों को या अन्य संकुल के जो शिक्षक हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको संबंधित शिक्षक का CG स्कूल पोर्टल में पंजीकृत मोबाइल नंबर चाहिए, वह आपको पता होना चाहिए। उसके माध्यम से आप अन्य शिक्षक मित्रों का जो नवाचारी गतिविधि हेतु शामिल होना चाहते हैं उनको PLC में शामिल कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो आइए आज हम PLC निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप PLC को क्लिक करते हैं तो आपको आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें आपको नए PLC बनाए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए रेड कलर में, तो आपको जो रेड कलर में दिख रहा है उसको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे देखिए PLC के प्रकार चुने, तो आपको यहाँ पर देखिए PLC के प्रकार चुने को क्लिक करना है। ये देखिए जैसे हमने चुना, अब यहाँ पर आप जिस प्रकार के PLC का निर्माण करना चाहते हैं उस प्रकार के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे जिला स्तर के लिए जिला, विकासखंड स्तर के लिए विकासखंड, संकुल स्तर के लिए संकुल स्तर वाले PLC को आप क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं केवल आपको एक ऑप्शन ही बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के PLC का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए यदि आप एक संकुल समन्वयक हैं तो आपको संकुल स्तर पर आपको PLC निर्माण के लिए संकुल स्तर को क्लिक करना होगा और वहां पर आपको जिस प्रकार का निर्देश प्राप्त होगा उसको चयन करते जाना है और बहुत आसानी से PLC बन जाएगा। लेकिन मैं आज आपको जो ऑप्शन बताने वाला हूँ, जो PLC का निर्माण करना बताने वाला हूँ, वो सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही आसान होगा। और यदि कोई भी शिक्षक जो इंटरेस्टेड है वो इस प्रकार के PLC का निर्माण कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर अन्य को क्लिक करता हूँ। ये सभी शिक्षकों के लिए लागू हो सकता है, सभी शिक्षक इस PLC का निर्माण कर सकते हैं यदि वो किसी प्रकार के नवाचारी गतिविधि में शामिल हैं और वे एक PLC का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये उन शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए जैसे मैं अन्य को क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे ही हम अन्य को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए PLC के प्रकार चुने, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे PLC के प्रकार दिखाई देंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला स्तर, विकासखंड स्तर, अन्य, अन्य को आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जिला को चयन करना है तो आप यहाँ पर जिला चयन कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर रायपुर जिला चयन कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर विभाग चुनना होगा, विषय मतलब जिस प्रकार के PLC का आप निर्माण करना चाहते हैं उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए बगल में आपको छोटा सा तीर का निशान दिखता है, उसको आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे PLC निर्माण संबंधी जानकारी दिया हुआ है। जैसे आप
चित्रकारी संबंधी बनाना चाहते हैं, वीडियो मेकिंग संबंधी, ऑडियो मेकिंग संबंधी, लेसन प्लान संबंधी, जिस प्रकार के भी आप पीएलसी का निर्माण करना चाहते हैं, है ना, इनोवेटिव एक्टिविटीज के बारे में बनाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का आप पीएलसी का निर्माण करना चाहते हैं, या फिर अन्य दिया हुआ है इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर टीएलएम संबंधी अगर पीएलसी का निर्माण करना चाहता हूं तो यहां मैं टीएलएम को क्लिक करूंगा, है ना। जैसे ही टीएलएम को हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे मोबाइल में दिखाई देगा। देखिए टीएलएम ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है पीएलसी का नाम, तो इसमें स्पष्ट लिखा है पीएलसी का नाम क्या कहलाएगा, पीएलसी टीएलएम रायपुर कहलाएगा। यह नाम पीएलसी से बना हुआ है, पीएलसी से जुड़े, तो पीएलसी जुड़े को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में एक पीएलसी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, पीएलसी से संबंधित आपको क्या करना है, इसमें जिन शिक्षकों को जोड़ना चाहते हैं उन शिक्षकों के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे देखिए काले अक्षर में लिखा हुआ है पीएलसी में सदस्य जोड़ें, इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए, और आपको सिंपल सा मोबाइल नंबर लिखना है उन शिक्षकों का, और मोबाइल नंबर टाइप करके आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको शिक्षकों के मोबाइल नंबर टाइप करने हैं, और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खोजे पर क्लिक करेंगे बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पीएलसी निर्माण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह पीएलसी निर्माण सभी शिक्षक कर सकते हैं, है ना, यदि उनको किसी भी प्रकार के नवाचारी गतिविधि हेतु पीएलसी बनाना है तो। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार संकुल समन्वयक भी पीएलसी का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसको संकुल स्तर पर पीएलसी संबंधित ऑप्शन को क्लिक करना है, और वहां पर आपको जो भी ऑप्शन चयन करने के लिए कहा जाएगा उसको आप चयन कर सकते हैं। याद रखिए, संकुल स्तर से जब आप पीएलसी का निर्माण करते हैं तो आपको क्रमशः जिला, विकास खंड, संकुल चयन करना होता है, उसके बाद ही आप पीएलसी निर्माण कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से ही ऐसे आपको क्या करना है, जोड़ना होता है। तो यहां पर हम मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। यहां पर जैसे ही आप मोबाइल नंबर टाइप करते हैं तो यहां पर खोजे को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप खोजे को क्लिक करते हैं, यहां पर मैं क्लिक करके बताता हूं, ये देखिए जैसे ही हमने खोजे को क्लिक किया तो ये पीएलसी बन गया है, यहां पर आप देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार इन संबंधित शिक्षक का नाम यहां पर दिखाई देता है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जोड़े को क्लिक करना है। यहां पर देखिए जोड़े, जैसे जोड़े को क्लिक करेंगे तो ये उस पीएलसी में जुड़ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सदस्य सफलतापूर्वक जुड़ गया है। अब पीएलसी के विभिन्न जो कार्य हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आपको अपने संकुल के या अन्य संकुल के भी शिक्षकों को जोड़ सकते हैं इस पीएलसी नंबर में, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का जिला का बंधन नहीं होगा, किसी विकासखंड का बंधन नहीं है, क्योंकि ये अन्य गतिविधि हेतु टीएलएम या फिर विभिन्न प्रकार के पीएलसी निर्माण संबंधी गतिविधि है, तो इसमें आप अपने संबंधित किसी भी शिक्षक को जोड़ सकते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, संबंधित सभी शिक्षकों को जोड़ने के बाद यहां पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। तो पीएलसी में सदस्य जोड़े तो नीचे में काम करते हैं, लेकिन ऊपर में जो और दिखाई दे रहा है, पीएलसी के लक्ष्य एवं उपलब्धि, पीएलसी का मीडिया लिंक एवं पीएलसी का समाचार डाले, तो इनमें आप सभी प्रकार की गतिविधि में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पीएलसी के लक्ष्य एवं उपलब्धि, इसको आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखिए, आपको यहां पर माह के अनुसार आपको क्या करना है, कौन कौन से माह में आपको लक्ष्य लेना है। तो यहां पर देखिए, जिस लक्ष्य को आप क्या करते हैं, जोड़ना चाहते हैं, यहां पर आपको उपलब्धि लिखना होगा, बहुत सारे उपलब्धि दिया हुआ है ना, पहला, दूसरा, तीसरा लक्ष्य, इसको आपको क्या करना है, लिखना होगा, और आपने उपलब्धि कितना प्राप्त किया उसको भी आपको यहां पर लिखना होगा, और क्या करना पड़ेगा, डाटा को सेव करना पड़ेगा। फिर यदि आपको अगला ऑप्शन में जाना है तो यहां पर देखिए, आपको वापस जाए को क्लिक करना होगा। जैसे ही वापस जाए को क्लिक करेंगे तो आपको पुनः पहले पेज मिले आएगा। नीचे देखिए पीएलसी का मीडिया लिंक, यहां पर पीएलसी का मीडिया लिंक को जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए, आप पीएलसी का जो लिंक होगा उनसे संबंधित आपका फेसबुक लिंक होगा, ट्विटर लिंक होगा, उनको आप यहां पर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद डाटा को सेव कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम वापस जाए को क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहां पर पीएलसी का समाचार डालें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएलसी संबंधित जो भी आपको गतिविधि होगा उन गतिविधियों को आप यहां पर शीर्षक लिखकर समाचार के रूप में उसको आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए फोटो है ना, यहां पर चूज फाइल लिखा हुआ है, ये देखिए चूज फाइल, तो यहां पर चूज फाइल को क्लिक करेंगे तो वहां पर आप फोटो या फिर वीडियो जो भी है आप यहां पर डाल सकते हैं। यहां पर फोटो जो है 500 KB व अन्य जो है 10 MB साइज से अधिक की फाइल अपलोड करने की अनुमति नहीं है, मतलब आप जो है 10 MB से अधिक का फाइल अपलोड नहीं कर सकेंगे, है ना। उसके बाद आप यहां क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, तो ये आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से पीएलसी निर्माण कर सकते हैं, जो सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप कोई ना कोई पीएलसी ग्रुप में जरूर जुड़े रहेंगे,
और यदि आप किसी प्रकार के पीएलसी का निर्माण करना चाहते हैं तो इसी प्रकार आप नवाचारी गतिविधि हेतु पीएलसी का निर्माण कर सकते हैं, जो सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी शिक्षक साथी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।